بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. This is Fatima Jamal, lecturer of accounting and commerce, and it's our fifth lecture of money banking and finance for BCom part 1, and our topic of discussion is bank funds. So let's begin our lecture with the introduction of bank funds. So bank funds are the amount of money placed into the banks for different profitable purposes. वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि बैंक जो है डिफरेंट प्रॉफिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है वो क्या कहलाती हैं? बैंक फंड्स. बैंक को अपने प्राइमरी फंक्शंस और मिसलिनियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बैंक फंड्स की जरूरत होती है. इसके अलावा बैंक जो है वो अपने फंड्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज करता है ताकि वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके. Now the question arises कि बैंक अपने फंड्स जो हैं वो कहाँ से गेन करता है, वो कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे बैंक अपने फंड्स को कलेक्ट करता है. So what are the sources of bank funds, or we can say that what are the main areas through which a bank gathers its funds? So let's have a look upon our book. Here is our topic and which is on page number 356 of your book. बेसिकली हमें सामने नज़र आ रहा है टॉपिक हमारा सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स. सो बेसिकली देर आर फोर सोर्सेज. नंबर वन इज बैंक्स ओन कैपिटल, सेकेंड वन इज डिपॉजिट, थर्ड वन इज लोन फ्रॉम अदर बैंक्स, एंड फोर्थ वन इज रिजर्व फंड. अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है बैंक जो है अपने फंड्स को कलेक्ट करता है. नंबर वन इज बैंक्स ओन कैपिटल. जब बैंक की फॉर्मेशन होती है तो फॉर्मेशन के टाइम पर जो बैंक कैपिटल कलेक्ट करता है बाय सेलिंग इट्स शेयर्स, उस कैपिटल को वो कैपिटल जो है वो बैंक यूटिलाइज करता है. उसे बैंक का शेयर अप या पेड अप कैपिटल भी कहा जाता है और ये प्राइम सोर्स होता है बैंक के फंड का. सेकेंड वन इज डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स हमें बहुत कॉमन लैंग्वेज है, बहुत कॉमन टर्म है. After its prime source, it is the second source of bank fund. Deposits क्या होते हैं? जैसे customers जो हैं, जो bank के account holder होते हैं, वो अपने amount of money, वो अपने जो जितनी भी savings होती हैं, वो जब bank के पास रखवाते हैं through current account, through saving account, through fixed account, तो क्या है? वो bank का एक source है funds का. तो bank इसके through भी जो है, वो क्या करता है? अपने funds को gather करता है. और mostly ये saving accounts, fixed account और ये जो terms deposit होते हैं, ये इसके through जो है, वो ज़्यादा deposit जो है, वो bank utilize करता है. The third one is loan from other banks. अगर बैंक को ज़रूरत पड़े तो बैंक जो है दूसरे बैंक से लोन भी जो है वो ले सकता है. और बैंक जो है उसका जो मेजर सोर्स है जिससे वो लोन लेता है वो होता है सेंट्रल बैंक. फोर्थ वन इज रिजर्व फंड. रिजर्व फंड क्या होता है? जब बैंक किसी कह लें बिजनेस में या किसी इंस्टीट्यूशन में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है या किसी भी सोर्स से उसको जो प्रॉफिट गेन होता है तो बैंक उस प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक प्रॉफिट वो जो उसने अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना होता है और एक प्रॉफिट का पोर्शन वो अलग से होता है जो कि एज अ रिजर्व जो है वो सेव किया जाता है ताकि जब ज़रूरत हो तो उस पोर्शन को उस रिजर्व को जो है वो यूटिलाइज किया जा सके. तो वो एक ये जो सोर्स लार्ज सोर्स है वो है रिजर्व फंड का जिसके थ्रू जो है बैंक अपने कह लें फंड्स को गैदर करता है. बैंक अपने फंड को किस तरह से कलेक्ट करता है वो हम जान चुके हैं. अब जो चीज़ मेन और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि बैंक अपने उन फंड्स को कहाँ पे यूटिलाइज करता है, उसका यूज़ क्या है. हाउ अ बैंक यूज इट्स फंड्स. सो बेसिकली बैंक यूजेज इट्स फंड्स फॉर थ्री मेन पर्पजेज. नंबर वन इज फॉर एडवांसिंग लोन. जो मेन इम्पॉर्टेंट जो है बैंक का रोल, बैंक का प्राइमरी फंक्शन में भी कंसिडर किया जाता है वो है एडवांसिंग लोन. के बैंक जो है अपने डिपॉजिट्स को, अपने फंड्स को जो है वो लोन देने के लिए यूज करता है, लोन ग्रांट करने के लिए यूज करता है. द सेकेंड वन इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बैंक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी करता है. एंड द थर्ड वन इज परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. और उसके बाद जो थर्ड वन जो है यूज है उसका वो है कि बैंक शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज भी करता है. लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स इन डिटेल. नंबर वन इज एडवांसिंग लोन. एडवांसिंग लोन का मैं आगे भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एडवांसिंग लोन क्या है. कि बैंक के पास जो फंड्स होते हैं, जो डिपॉजिट होते हैं, वो प्राइम बेसिस पे उसको यूटिलाइज करता है लोन देने के लिए. अब लोन बैंक जो है उसके डिफरेंट कह लें टाइप्स हैं. लोन की भी डिफरेंट टाइप्स हैं कि बैंक डिफरेंट कह लें टाइप्स होती हैं लोन की जिसके थ्रू बैंक लोन देता है आगे अपने कस्टमर्स को.
जो लोन की दो मेन टाइप्स होती हैं, दो मेन कैटेगरीज हैं, वो होती हैं दो। वो कौन सी हैं? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन्स क्या हैं कि जिसकी बैक पे कोई सिक्योरिटी होती है वो लोन्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। और ऐसे लोन्स जिनकी बैक पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ऐसे लोन्स को कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन। यानी कि अगर मैं कोई कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी जो है, कोई भी सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी जो है वो बैंक के पास लोन के इवज नहीं रखवा रही, तो वो सिक्योर्ड लोन नहीं है, वो अनसिक्योर्ड लोन है। और अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो हमें मोस्टली कस्टमर को जो है उनकी गुडविल की बेस पे या पर्सनल गारंटी की बेस पे जो है वो ग्रांट किए जाते हैं। अब ये है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स जिसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, जो बैंक की तरफ से कभी भी डिमांड किए जा सकते हैं, और जब भी बैंक डिमांड करेगा कि इसको रिटर्न कर दिया जाए तो कस्टमर को उस लोन को रिटर्न करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जिसमें बैंक अपने वेल रिप्यूटेड वेल नोन कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है कि उसके अकाउंट में जितनी भी अमाउंट अवेलेबल है वो उससे एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवा सकता है, और जितनी वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करवाएगा उसको उस पर इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। थर्ड वन इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक अपने फंड को डिस्काउंटिंग करने के लिए भी यूज करता है, किसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया जाता है, और जब ड्रॉअर को जरूरत होती है पैसों की तो बैंक के पास जाके उसको डिस्काउंट करवा के बैंक से मनी रिसीव कर सकता है। तो बैंक जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाने के लिए भी अपने फंड्स को जो है वो यूटिलाइज करता है। फोर्थ वन इज कैश क्रेडिट। तो ये ऐसा लोन है जो कि हमारे करंट एसेट्स के अगेंस्ट जो है वो दिया जाता है। जैसे करंट एसेट कौन से होंगे? शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, और इस तरह से दूसरी और इसकी टाइप्स हो गई। तो ऐसे लोन्स जो कि हमारे करंट एसेट्स के अगेंस्ट जो हैं वो दिए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा कैश क्रेडिट्स, और बैंक जो है कैश क्रेडिट के लिए भी इसको यूटिलाइज करता है। देन फिक्स्ड लोन्स। फिक्स्ड लोन्स कौन से होते हैं? फिक्स लोन ऐसे लोन्स होते हैं जिनमें कस्टमर से बैंक पहले ही उसका टाइम पीरियड और उसकी अमाउंट जो है वो डिसाइड कर लेता है कि इतनी अमाउंट होगी और इतने टाइम पीरियड के लिए होगी, और ये बकायदा अकाउंट ओपन करके कस्टमर को जो है वो लोन दिया जाता है। तो ऐसे लोन को कहा जाता है फिक्स्ड लोन। फिक्स्ड लोन की आगे से दो टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन और मीडियम, तीन टाइप्स हैं सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और जिनको हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो है वो लेते हैं। तो ऐसे लोन्स कौन से होंगे? शॉर्ट टर्म लोन्स, और ये कह सकते हैं कि ये लेस देन जो है वन ईयर होते हैं। इनका टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? लेस देन वन ईयर होता है। देन है जी मीडियम टर्म लोन। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 to 5 years होता है, और बेसिकली ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो है वो रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो परचेज किया जा सके, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं उनको पूरा किया जा सके। थर्ड वन है जी लॉन्ग टर्म लोन, जिनकी जो है टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो 5 years से अबव और 10 years की रेंज में होती है, जैसे भी अबव हो सकती है। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है ये लोन लिया जाता है, या किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए लिया जाता है, तो ऐसे लोन को कहा जाता है लॉन्ग टर्म लोन। और ये तीनों टाइप्स जो हैं ये फिक्स लोन की एग्जांपल हैं, एग्जांपल नहीं टाइप्स हैं। ये सब थी लोन की टाइप्स। और अब जो सेकेंड वन यूज है बैंक फंड्स का वो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आगे भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि बैंक क्या करता है, अपने बैंक को डायरेक्टली जो है वो इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, किसी एंटरप्राइज में, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए। तो और इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है इस पे बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी ज़्यादा होता है। और थर्ड वन है परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और बैंक क्या क्या करता है? समटाइम्स अपने फंड्स को डायरेक्टली किसी कंपनी के या किसी एंटरप्राइज के शेयर्स या डिबेंचर्स जो है वो परचेज करके इन्वेस्टमेंट करता है, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो किसी भी एंटरप्राइज जो या बिजनेस के जो है मोर देन 50% शेयर्स जो होते हैं वो होल्ड कर लेता है और उसकी होल्डिंग कंपनी के तौर पर परफॉर्म करता है, यानी कि सब्सिडरी कंपनी के 50% शेयर्स जो है वो अपने पास रखता है। तो ये और उससे जो है प्रॉफिट जो है प्रॉफिट अर्न करता है। और ये तीनों बैंक फंड के मेन यूजेस हैं जो बैंक जो है अपने फंड्स को जहां पे यूटिलाइज करता है।
और इन सब फंड्स को यूटिलाइज करने का एक ही उसका मेन पर्पज होता है, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके. दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.